दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की मिलिट्री ऑपरेशंस की, काइनेटिक वॉर्स की, कैसे यूक्रेन जो है अपने घुटनों पर आ रहा है, कैसे रशिया इस युद्ध में काफी डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे साई ऑप्स यानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और कॉग्निटिव वॉरफेयर, जो इस युद्ध में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में यूक्रेन की तरफ से। ये चीज़ें जानने के लिए भी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी हैं कि आने वाले समय में अमेरिका किस तरह से, नाटो किस तरह से युद्ध लड़ता है, किस तरह के कॉग्निटिव वॉरफेयर से आपकी सेना को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो इसमें मैं तीन एग्जांपल्स लेकर चलूँगा जो फॉल्स फ्लैग्स हैं, जिसके ज़रिए दूसरी पार्टी पर मोरल दबाव डालने की कोशिश की जाती है, उसे वर्ल्ड में आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है और उसके मिलिट्री मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे मरियोपोल की। आपने सुना होगा कि मरियोपोल में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पे रशिया ने हमला कर दिया मिसाइल से और कई प्रेग्नेंट वेमेन और बच्चे मारे गए, और इस खबर को नाटो और उसके माउथपीस ने पूरी तरह से दुनिया में फैलाया। उसमें आउटरेज क्रिएट करने की कोशिश की गई और बताने की कोशिश की गई कि देखिए, रशिया कितना बड़ा वॉर मॉन्गर तो है ही, वो सिविलियन एट्रोसिटी करता है, वो मॉन्स्टर है, ईवल है, और ऐसे ईवल और मॉन्स्टर के खिलाफ पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए और इसे हराना चाहिए। तो ये एक फॉल्स फ्लैग था। मरियोपोल में मैटरनिटी हॉस्पिटल पे दोस्तों हमला हुआ था, पर वो हमला क्या था? मारियाना वाइशमिर्स्काया की एक फोटो एसोसिएट प्रेस ने छापी, ये दिखाते हुए कि देखिए, मरियोपोल के मैटरनिटी हॉस्पिटल पे रशियंस ने मिसाइल से हमला किया, जिसमें कई प्रेग्नेंट औरतें और बच्चे जो हैं वो इलाज करा रहे थे और वो मारे गए हैं, जिसमें मारियाना का जो फोटो है उसको छापकर काफ़ी आउटरेज क्रिएट कराया गया दुनिया में। और आपने देखा भी होगा, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो आउटरेज हो गए कि कैसे संभव है कि वॉर में इस तरह के जो है एट्रोसिटी को भी जो है परफॉर्म किया जा रहा है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये एक फॉल्स फ्लैग था। मारियाना ने खुद दो दिन के बाद अपना एक इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो यूट्यूब पे भी मौजूद है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो हमला हुआ मरियोपोल मैटरनिटी हॉस्पिटल पे, तो इसमें जो धमाका हुआ उसके पहले किसी तरह का कोई नॉइज़ नहीं था एरोप्लेन का या मिसाइल का, और ना ही इस धमाके के बाद इस तरह का कोई नॉइज़ था। उनका ये कहना था कि मरियोपोल मैटरनिटी हॉस्पिटल को अजोव बटालियन ने पहले से ही बंकर बना रखा था, और ये इतने बदमाश और क्रिमिनल माइंडेड लोग थे कि इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को मिलने वाले खाने को भी इन लोगों ने छीन छीन कर खाया था उनसे। और जब इन्होंने देखा कि मरियोपोल की लड़ाई में अब ये हार रहे हैं और ये बुरी तरह से जो है वहाँ पर पिटने वाले हैं, तो रशिया को बदनाम करने के लिए हॉस्पिटल में आर्टिलरी लगाकर इन्होंने खुद ही उसको उड़ा दिया। और मारियाना ने इस पूरे बयान को यूट्यूब पर दिया, इंस्टाग्राम पे दिया, और इस पूरी थियरी को इन लोगों ने बस्ट कर दिया। अब वो कोई उसमें रिट्रैक्शन नहीं है, वेस्टर्न मीडिया ने कहीं से ये कुछ नहीं बताया कि हमसे गलती हो गई, हमने जो है गलत न्यूज़ दे दिया। ये कॉग्निटिव वॉरफेयर इसी को कहते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसी को कहते हैं कि जो आइडेंटिफाइड सोर्सेज से नहीं आ रहे हैं न्यूज़, जो गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके दिखाए जा रहे हैं, उसको एक बार आपने जो है प्रोजेक्ट कर दिया, लोगों तक वो पहुंचा दिया, आपने आउटरेज क्रिएट कर दी, रशिया को बैकफुट पर ला दिया मोरली, और उसके बाद जब इसकी सच्चाई का खुलासा भी होता है तो आप उस न्यूज़ की तरफ देखते भी नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो हालांकि मरियोपोल से बहुत नुकसान तो रशिया को नहीं हुआ, रशियन फोर्सेस जो हैं वो और मजबूती के साथ मरियोपोल में लड़ी और ये पूरे नाजीज़ को इन लोगों ने मार गिराया। वहाँ अब अजोव स्टाल में कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको मारकर निपटाना बाकी है। तो ये तो कहानी थी मरियोपोल की। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए किस तरह से यूक्रेनियन फोर्सेस हार रही हैं, किस तरह से एनसर्कल्ड हो रही हैं, और एक सेकेंड फेज़ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है डोनबास में, जो काफ़ी ब्रूटल होगा क्रेमतोर्स्क में। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि किस तरह से कीव और चर्नीव से, खारकीव से फोर्सेस को जो है विड्रॉ किए जा रहे हैं ताकि उसको क्रेमतोर्स्क की तरफ लाया जाए, किस तरह से मरियोपोल में 40,000 जो फोर्सेस लगाई गई थी, चूँकि अब मरियोपोल जो है वो जीत लिया गया है लगभग, तो वहाँ से भी 30,000 के करीब फोर्सेस को नॉर्थ में ले जाया जा रहा है क्रेमतोर्स्क के पास। तो कीव को जो यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट है, उसको मालूम है कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, एक ब्रूटल मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में क्रेमतोर्स्क में।
और अगर क्रेमातोर्स्क गिरता है, जहां 40-50 हज़ार यूक्रेनियन फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, अगर वो गिरता है तो उसके बाद यूक्रेनियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पॉलिटिकल सॉल्यूशन के। तो क्या किया जाए? अब यूक्रेन में कीव एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे पोजीशन में नहीं है कि वो क्रेमातोर्स्क में आम सप्लाई कर सके, मेन और मटेरियल सप्लाई कर सके। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है फॉल्स फ्लैग रेज करना, रशियन एट्रोसिटीज़ को हाईलाइट कराना और एक दुनिया में आउटरेज क्रिएट करना, ताकि किसी न किसी सूरत हाल में नाटो को फुली इन्वॉल्व किया जा सके या इस लड़ाई को और बढ़ाया जा सके, रशिया को मोरली जो है वो बैकफुट पर लाया जा सके, उसके मोमेंटम को तोड़ दिया जा सके। तो ये सारे इंटेंशंस के साथ बुका मसाकर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। और बुका मसाकर के बारे में आप भली भांति जानते होंगे कि कीव के सबब में एक छोटा सा कस्बा है बुका, जिसकी 30,000 के करीब पॉपुलेशन होगी, कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है। उस छोटे से कस्बे की सबसे बड़ी सड़क पर, जो काफ़ी चौड़ी सड़क है, उस पर तकरीबन 300-400 लाशों को गिरा कर दिखाया गया है और बताया गया है कि रशिया ने बुका से विड्रॉ करते समय इन सारे लोगों को मार दिया है, जेनोसाइड कमिट किया है और इसके लिए रशिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर में एक जबरदस्त आउटरेज क्रिएट हुआ 4 अप्रैल को। दोस्तों, ये खबर 4 अप्रैल की थी, जब यूक्रेन और नाटो समर्थक, उसके जो मीडिया हाउसेस हैं, इन लोगों ने ये फुटेज, ये इमेज बीम करना शुरू किया पूरी दुनिया में और आउटरेज क्रिएट करना शुरू किया कि रशिया जिनोसाइड कमिट कर रहा है। अब इसकी सच्चाई पर चलते हैं दोस्तों। इसके इंटेंशन को तो हमने देख लिया, इसकी सच्चाई पर चलते हैं। देखिए, रशिया ने बुका के रीजन को 30 मार्च को खाली किया था, वहां से वो विड्रॉ कर चुके थे। मैंने बताया था कि उन्हें क्रेमातोर्स्क की तरफ जाना है लड़ने के लिए, सेकेंड फेज ऑफ ब्रूटल वॉरफेयर के लिए। उन्होंने वहां से वो रीजन खाली किया, वो कॉलम्स वहां से निकले और वो क्रेमातोर्स्क की तरफ बढ़ गए। चूंकि रशियंस ने बुका को खाली कर दिया था, तो जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उसको रीऑक्यूपाई करने चली गई और उन्होंने उसको रीऑक्यूपाई कर लिया। 30 मार्च को रशियंस बाहर आए। 31 मार्च की बात है जब बुका का जो मेयर है, यूक्रेनियन मेयर, वो बुका पहुंचता है और वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो काफ़ी खुश है और वो बता रहा है कि देखें, रशियंस यहां से चले गए हैं, हमने इस बुका को वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया है। उस पूरे वीडियो में उसने कहीं नहीं बताया कि लाशें गिरी हुई हैं, चारों तरफ लाशें गिरी हुई हैं, सड़कों पर लाशें गिरी हुई हैं, जेनोसाइड कमिट किया गया है, कहीं भी उसने नहीं बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बुका कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है और उसकी जो सबसे मेन सड़क है, जो बहुत चौड़ी है, जिसपे 300 लाशें गिरी हैं, अगर ऐसा होता तो क्या मेयर को अपने वीडियो में उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो बहुत खुश होकर, अगर किसी रीजन में इतना बड़ा नरसंहार हुआ हो तो इतनी खुशी के साथ तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो कम से कम जिक्र तो ज़रूर करेगा। सेम वीडियो को यूक्रेनियन चैनल ने भी अगले दिन जो है वो उसको एयर किया, पर उस रिपोर्ट में भी कहीं भी नहीं बताया गया कि बुका में किसी तरह का मसाकर हुआ। 1 अप्रैल को ही जो डेप्यूटी पार्लियामेंटेरियन हैं यूक्रेन के, वो वहाँ पहुँचे बुका का जायज़ा लेने के लिए। उनकी भी एक बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर है बुका में, और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की 2 अप्रैल को, उस रिपोर्ट में भी कहीं से भी इस जेनोसाइड, इस नरसंहार के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। यूक्रेनियन चैनल्स की ही रिपोर्ट है कि 1 या 2 तारीख को जो सफारी ग्रुप्स हैं, बेसिकली ये मर्सनरीज हैं, अजोव बटालियन वाले हैं, नियोनाजीज हैं, ये एंटर करते हैं बुका को। और 4 अप्रैल का वो दिन है जब एक खबर आती है कि बुका में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है और 300 लाशें रोड पर पड़ी हुई हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि ये 4 दिन तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई और 4-5 दिन के बाद इसे बताया गया है, तो इसमें कितनी सत्यता होगी। पहली चीज़ तो ये कि जो बॉडी जो दिखाई गई हैं, वो बॉडी का जो डिकम्पोजिशन लेवल है, वो 5 दिन पुरानी बॉडी नहीं दिखती हैं। दूसरे, कई सारे जो डेड बॉडीज़ हैं उन पर वाइट बैंड्स बंधे हुए हैं, और वो जो वाइट बैंड्स हैं वो साफ साफ शो कर रहे हैं कि ये रशियन सिंपथाइजर्स थे, क्योंकि यूक्रेनियंस जनरली अपने ब्लू और येलो फ्लैग्स, जो उनके कलर्स हैं, उसको बैंड को लगाते हैं। जो रशियंस हैं वो अपने सिविलियंस को, सिंपथाइजर्स को वाइट बैंड लगाने के लिए कहते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें और उनको शूट ना करें। इसके साथ ही ये जो रोड है जहाँ पे ये सारे लोगों को मारा गया है, उसके जो एलेज हैं, अगर आप उसमें जो निकाल कर देखा गया है, वहाँ पे कई सारे जो हैं वो MREs मिले हैं, जो मील्स रेडी टू ईट होते हैं,
वो MREs बेसिकली रशियंस ने दिए हैं, रशियन फोर्सेस ने इन सिविलियंस को दिया है खाना खाने के लिए। तो अगर उन्हें मारना ही था तो इन्हें इतना अच्छा MRE देने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें डायरेक्टली भी शूट किया जा सकता था। तो इसमें कई सारे इनकंसिस्टेंसीज हैं इस पूरी स्टोरी में, और वो साफ साफ शो करते हैं कि रशिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि रशिया के विड्रॉ करने के बाद जो इनके सफारी ग्रुप्स हैं उन लोगों ने जाके एग्जीक्यूट किया सिविलियंस को जो रशियन सिंपथाइजर्स थे, और उनकी लाशों को रोड पर डालकर रशिया को बदनाम करने के लिए आउटक्राई शुरू किया कि एक बहुत बड़ा जेनोसाइड कमिट किया गया है। अब इस फॉल्स फ्लैग को 4 तारीख को यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी दोस्तों? तो 4 तारीख का ही वो दिन था, 4 अप्रैल का, जब मरियोपोल में 250 से ज़्यादा लोगों ने मास सरेंडर किया। अब क्लियर हो गया था कि मरियोपोल गिर गया है, अब क्लियर हो गया था कि मरियोपोल से सेना निकलकर क्रामातोर्स की तरफ जा रही है, अब क्लियर हो गया कि कीव और चर्नीव से सेना निकलकर क्रामातोर्स की तरफ जा रही है, अब एक सेकेंड फेज ऑफ ब्रूटल वॉरफेयर शुरू होने वाला है जहां इनके 40-50 हज़ार यूक्रेनियन स्ट्रॉन्ग यूक्रेनियन फोर्सेस को रशियंस जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये रसद पहुंचा नहीं सकते हैं, आर्म्स एंड मटेरियल पहुंचा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई लाइन काट दी गई है। तो एक साई ऑप ऑपरेशन, एक कॉग्निटिव वॉरफेयर शुरू किया जाए, और यही हुआ दोस्तों। बुका के बाद अमेरिका ने, यूरोप ने, उसके मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और सीधा इल्ज़ाम रशिया पर लगाकर इन लोगों ने इसे इन्फ्लेट किया। उसका नतीजा ये हुआ कि UNHRC से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। तो वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा UNHRC की पूरी पॉलिटिक्स। लेकिन फिलहाल आप इस बात को ऐसे समझें कि मोरली रशिया को बैकफुट पर लाने के लिए पूरे नेटो कंट्रीज और उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस स्टोरी को इन्फ्लेट किया था। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रशियन मिलिट्री मोमेंटम था उसको पिछले 4 दिन में अमेरिका और नेटो फोर्सेस काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहीं कि उसके मोमेंटम को ये लोग तोड़ पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये पूरी कहानी बुका मसाकर की, इनफैक्ट आप देखिए कि रशिया वॉज द कंट्री विच वॉज आस्किंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। वो कह रहा था कि आप इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। रशिया 4 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके डिस्कशन की मांग की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि नेटो कंट्रीज जानते थे कि ये बातें झूठी हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हैं, हम तो सिर्फ लेबल लगाना जानते हैं कि रशिया के अगेंस्ट में लेबल लगाओ, उसे मोरली बैकफुट पे ढकेलो और उसके मोमेंटम को तोड़ दो। तो यही हुआ। अब तीसरे फॉल्स फ्लैग की बात कर लेते हैं जो क्रामातोर्स्क में हुआ। तो दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक ब्रूटल वॉरफेयर शुरू होने वाला है, आज के ही दिन से शुरू होने वाला है प्रोबेबली। उसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका, नेटो फोर्सेस, यूक्रेन एक नया फॉल्स फ्लैग क्रिएट करना चाहते हैं, और वो है क्रामातोर्स्क के रेलवे स्टेशन पर जो हमला हुआ है जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए हैं। इस मिसाइल हमले में 60 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, और इसका आरोप यूक्रेन, नाटो कंट्रीज और अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बिना देखे, बिना समझे, बिना इसकी जांच किए हुए रशिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मिसाइल हमला रशिया ने किया है और सिविलियंस को उसने मारे हैं। सच्चाई कुछ और है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि क्रामातोर्स्क में एक ज़बरदस्त घमासान युद्ध होने वाला है। इसी युद्ध को देखते हुए, समझते हुए, वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो वहाँ से भागना चाह रही थी, और स्टेशन पर ये सारे लोग वहाँ पे जुटे थे ताकि वो क्रामातोर्स्क छोड़कर भाग सकें, और यूक्रेनियन फोर्सेज ने मिसाइल से इस पर्टिकुलर इलाके में हमला किया और ये सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और यूक्रेन इसका इल्ज़ाम रशिया पर लगाकर एक नया फॉल्स फ्लैग क्रिएट करना चाहता है। अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि ये यूक्रेनियंस ने किया है। सबसे पहली बात तो जो इसका प्रोजेक्टाइल है मिसाइल का, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने वेरीफाई किया है कि इसका प्रोजेक्टाइल बताता है कि ये उस रीजन से फायर किया गया है जहाँ यूक्रेनियंस डोमिनेट कर रहे हैं, जिस एरिया में यूक्रेनियंस ने कैप्चर कर रखा है। दूसरी चीज़, ये मिसाइल एक टोचका यू मिसाइल है। अब हुआ ये कि इस मिसाइल का जो एक पार्ट है वो गिर गया, और उसके गिरने के कारण इसे आइडेंटिफाई किया गया कि ये मिसाइल टोचका यू मिसाइल है। अब टोचका यू मिसाइल दोस्तों सोवियत एरा का मिसाइल है जो सोवियत यूनियन यूज़ करता था। आज की तारीख में रशिया की इन्वेंट्री में टोचका यू मिसाइल्स हैं ही नहीं। ये मिसाइल्स बेसिकली यूक्रेन के पास है, और इस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के पास लगभग 100 से ज़्यादा टोचका यू मिसाइल्स थे,
और ये टोचका यू मिसाइल्स का पार्ट गिरने से इनका ये पूरा थियरी, इनका पूरा झूठ बस्ट हो जा रहा है और ये फिर एक नया फॉल्स फ्लैग जो इन्होंने क्रिएट किया है उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है। इसमें रशिया को फिर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि रशिया जो है क्रामातोर्स्क में अटैक न कर सके। ये इसी को कहते हैं सिविलियन पॉपुलेशन को शील्ड बनाना, जो अजोव बटालियंस, सफारी बटालियंस और ये जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं जो उसके सीक्रेट पुलिस हैं ये काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन की स्लाविक जनता को, रशियन स्पीकिंग सिटीजन को ये अपना सिटीजन नहीं मानते हैं, उसको मारने में इनको ज़रा सा भी परहेज नहीं है। तो ये गेम वो खेल रहे हैं, ये काइनेटिक वॉर के अगेंस्ट में यूक्रेनियंस का कॉग्निटिव वॉरफेयर है और इस वॉरफेयर में काफ़ी हद तक यूक्रेन जो है सफल भी हो रहा है। लेकिन रशियन रिजॉल्व कुछ इस तरह का है कि आप रशिया को कितना भी आइसोलेट कर दें, देखें रशिया की हिस्ट्री को बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, रशिया को हर समय बदनाम करने की ही कोशिश की गई है। रशिया यूरोप का पार्ट कभी रहा नहीं, या यूं कहिए कि यूरोप ने कभी भी रशिया को अपने दिल से लगाया ही नहीं, उसे हमेशा अपने से दूर ही रखा, क्योंकि आप यूरोप में रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल बेसिस पर भी देखेंगे तो एक डिवीजन रहा है। अगर रशियन कम्युनिज्म को मानते थे तो यूरोप जो है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, लिबरल डेमोक्रेसीज में बिलीव करता था। अगर वेस्टर्न यूरोप एंग्लिसिस्ट और कैथोलिक चर्च से रिलेटेड हैं, प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड हैं, तो ईस्ट में वो ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो अपनी तरह का अनोखा है। तो हर लाइन पर अगर आप सोचेंगे ना तो हर एंगल में रशिया जो है वो एक एंटी फोर्स की तरह दिखता है इनके खिलाफ, और कभी भी रशिया को इन लोगों ने अपना नहीं माना है। एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रशियन पीपल हैव सफर्ड द जेनोसाइड एट द हैंड्स ऑफ इन्वेडर, लेकिन हमेशा से ही उनको एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, नैरेटिव कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जर्मनी में एक लड़की थी, ज्यूइश लड़की एन फ्रैंक, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारी गई थी, और एन फ्रैंक अपने बेसमेंट में, अपने घर के बेसमेंट में काफ़ी लंबे समय तक नाजियों से छुपी हुई थी उसकी पूरी फैमिली, और वो हर रात डायरी लिखती थी, और उसकी डायरी को उसके मरने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद, किसी पब्लिशर ने उसको छपवाया। हालांकि उसमें भी एक बात है कि वो एक तरह का नैरेटिव बिल्डिंग था, डायरी को एक बुक के फॉर्म में पूरी दुनिया में लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़कर काफ़ी हद तक जाने कि ज्यूज के साथ क्या हो रहा था। उस किताब का नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसे एन फ्रैंक ने लिखा था। ठीक ऐसी ही एक किताब जो है बाद में छपी, जिसे हम लोग विमेन इन बर्लिन कहते हैं, जिसकी राइटर एक एनोनिमस लेडी है जो जर्मन लेडी है। अब इस बुक को छापने में आप देखें, इस बुक में बहुत हद तक बताया गया है कि किस तरह से रशियन फोर्सेस जब बर्लिन पर अटैक करती हैं, नाजियों का डाउनफॉल होता है और पूरे बर्लिन को ये कैप्चर कर लेते हैं, तो लगभग 25 लाख औरतों का ये रेप करते हैं। ये रशियंस के बारे में बताया गया है कि रशियन आर्मी जो है वो इनडिसिप्लिन्ड है, ईवल है, और वो उसने बहुत सारे वॉर क्राइम्स कमिट किए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो बेसिकली 1945 के बाद नाजियों के गिरने के साथ ही वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लिए उनका दुश्मन चेंज हो गया और वो नाजी से हट के सीधे रशिया बन गया। तो वहाँ से ये इन लोगों ने रशिया को बदनाम करना शुरू किया, और ये पूरी बुक और इस पर एक बनाई गई फिल्म रशियंस को इस तरह से बदनाम करती है। फिर कोल्ड वॉर के पीरियड में आप पूरी हॉलीवुड फिल्म को देख लीजिए, जिसमें रशियंस को नास्टी, ईवल, रफियन, क्रिमिनल इसी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। पर थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो रशियंस हैव बीन सब्जेक्टेड टू जेनोसाइड, रशियंस हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेसिज्म, और इनके खिलाफ जो अभी रेसिज्म यूरोप और अमेरिका में देखा जा रहा है, जो एंटी रशिया फीलिंग जो है, जो रशोफोबिया है, जिस लेवल पे आ गया है, उससे रशियन जनता बहुत आहत है। एंड दे हैव सेड गुड बाय टू यूरोप, दे हैव सेड गुड बाय टू द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वो अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ गए हैं और वो कभी भी यूरोप की तरफ अब देखेंगे नहीं, अब वो यूरोप से कभी भी जो है आत्मीयता के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो ये युद्ध जो कई लेवल्स पे लड़े जा रहे हैं वो पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। यूक्रेन से जो फोर्सेस निकल रही हैं वो पूरी दुनिया को कम्प्लीटली बदल कर रख देंगी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे ये यूक्रेन वॉर आने वाले समय में नए नए चेंजेस को लाने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि अपने इस छोटे से वीडियो से, नाटो, अमेरिका और यूक्रेन के कॉग्निटिव और साईऑप्स वॉरफेयर से मैंने आपको रूबरू कराया, आपको उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की और शायद उसमें सफल रहा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस तरह के वीडियोज़ खासकर इस वॉर से जुड़ी हुई बनाता रहूँगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें बड़ा ही असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जहां सब कुछ वेस्टर्न इंपोर्टेड है, जहां सब कुछ रॉयटर ब्लूमबर्ग की तरफ से आ रहा है, उनका पूरा फेक नैरेटिव आ रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि जो अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी है, जो अदर एस्पेक्ट ऑफ द वॉर है, जो वॉइसेस ऑफ यूरेशिया है, जो रशिया का है, जो हमारा अपना हो सकता है, उन वॉइसेस से एक नया परसेप्शन क्रिएट जो हो रहा है वो आपके सामने रखूँ, जो स्टोरी के दूसरे तरफ का हिस्सा आपकी तरफ प्रेजेंट करूं, ताकि आप बेहतर तरीके से इस वॉर को समझ सकें, इसके नैरेटिव को समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर इस विषय पर और चर्चा होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।